हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रुचा सिंगल, लेक्चरर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जीपीसी, झुंझुनू. टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक एनर्जी. ये आपके सब्जेक्ट एमई 208 का यूनिट फर्स्ट का 1.2 नंबर पॉइंट है एनर्जी, जिसके अंदर हम इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क. कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं. जैसे कि आपको पता ही होगा, 11th 12th क्लास में आपने पढ़ा है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है और इसकी यूनिट क्या होती है? जूल या कैलोरी. ये किससे आया? आइंस्टीन की एक इक्वेशन है एनर्जी की, E=mc², या m है मास, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग. तो मास की यूनिट होती है kg और वेग की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. सो दिस विल बिकम न्यूटन मीटर. kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन, जो क्या होता है फोर्स, न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर. ये भी एक यूनिट हो गई और इसको आगे हम जूल बोलते हैं. MKS के अंदर न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं. जूल MKS में इसकी यूनिट हो गई और CGS के अंदर कैलोरी होती है. सो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है. ऊर्जा विभिन्न रूपों में पाई जाती है, जैसे कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या और भी कई प्रकार की होती हैं. ऊर्जा आपने देखा, हीट और वर्क है, वो भी ऊर्जा का ही प्रकार है. ऊष्मा और कार्य को भी हम ऊर्जा ही कहते हैं. ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब स्थानांतरित होती है उसके अंदर पाई जाती है. लाइक अगर किसी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र हुआ है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हीट ट्रांसफ़र होता है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. हीट ट्रांसफ़र में भी कम थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है जब उसके अंदर हीट ट्रांसफ़र होती है, तो तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई आपकी ऊर्जा. इसी प्रकार जब वर्क डन किया जाता है, कार्य किया जाता है, तो ये खुद भी एक यांत्रिक फॉर्म में होता है कार्य. तो यांत्रिकी ऊर्जा कार्य है वो यांत्रिकी ऊर्जा के फॉर्म में हो गया, और ऊष्मा है वो तापीय ऊर्जा के फॉर्म में हो गई. तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हैं. और ऊर्जा आपको पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हम आगे पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग, ऊर्जा को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं. आप सपोज़ आपने किसी पहाड़ी से एक बक्से को नीचे की तरफ माना, एक बॉक्स पहाड़ी से नीचे की तरफ स्लाइड करता है, तो ऊंचाई पर होने के कारण जो बॉक्स की स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि बॉक्स ऊंचाई पर है, हाइट पर है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है वह गति के कारण, क्योंकि वो स्लाइड होकर नीचे आ रहा है बॉक्स, तो उसकी उसके गति के कारण उसके अंदर गतिज ऊर्जा पाई जाएगी. तो स्थितिज ऊर्जा बॉक्स की वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है. और जैसे ही बॉक्स नीचे आकर घर्षण के कारण धीरे धीरे रुकता है, तो बॉक्स की जो गतिज ऊर्जा है वो तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है. घर्षण की वजह से बॉक्स रुक गया तो हीट जनरेट हो गई. हीट जनरेट होने की वजह से बॉक्स गर्म हो गया, तो बॉक्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. तो इस प्रकार आपने देखा कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है. वो ना तो उत्पन्न हुई है ना ही नष्ट की जा सकती है. काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु के अंदर उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है वो उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है. अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़ बाय रीज़न ऑफ इट्स मोशन. इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. यह गति करते हुए वस्तु का गुणधर्म होता है. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी. If work is done on an object by applying a net force, the object speeds up and thereby gains kinetic energy. अगर किसी वस्तु पर कुल इतना फोर्स लगाया जाए कि वह गति करना प्रारंभ कर दे, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा वह प्राप्त कर लेती है वस्तु. काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इट्स मोशन बट ऑल्सो ऑन इट्स मास. गतिज ऊर्जा केवल उसकी गति पर निर्भर नहीं करती है बल्कि उसके मास पर भी निर्भर करती है. सो यह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है.
जैसा हमने पढ़ा था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो वस्तु के मास पर या क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड करती हैं। तो गतिज ऊर्जा है वो भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, या पॉइंट फंक्शन भी है। पॉइंट फंक्शन क्या होता है, जो वस्तु की किसी भी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी वो भी किसी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे, फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, ना कि उस प्रोसेस पर डिपेंड करती है जिसके द्वारा कि उस सिस्टम को इनिशियल से फाइनल स्टेट में लेकर आया जाता है। सो इट इज़ अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एज वेल एज इट इज़ आल्सो अ पॉइंट फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी फॉर ट्रांसलेशन मोशन इज़ गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर। किसी रेखीय गति के लिए हम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के द्वारा बताते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, इसकी भी यूनिट सेम होती है जैसी एनर्जी की होती है, जूल या कैलोरी। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी वस्तु के अंदर निहित वह ऊर्जा होती है जो सिस्टम के विभिन्न भागों की एक दूसरे की सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करती है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज दैट स्टोर एनर्जी दैट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के विभिन्न भागों की सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करती है। सो इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम नॉट ऑफ एन इंडिविजुअल बॉडी और पार्टिकल। तो यह सिस्टम की प्रॉपर्टी है, ना कि किसी इंडिविजुअल बॉडी या पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। अगर माना हमने एक स्प्रिंग ली, स्प्रिंग को अगर हम खींचते हैं, इफ़ स्प्रिंग इज़ स्ट्रेस्ड या स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वह ज़्यादा होगी कंपेयर टू रेस्ट पोजिशन। माना स्प्रिंग रखी हुई पोजिशन में है, तो उसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा है वह उतनी नहीं होगी जितनी स्प्रिंग को हम कंप्रेस करके या स्ट्रेच करके उसके अंदर निहित होती है। सो देन नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ़ अ स्टील बॉल इज़ रेज्ड अबव द ग्राउंड लेवल देन इट हैज़ मोर पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर टू इट हैज़ आफ्टर फॉलिंग टू द अर्थ। माना हमने एक स्टील बॉल ली, अगर इसे हम ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ रेज करते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, देन उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, वह अर्थ पर गिराते हैं हम स्टील की बॉल को, उसके कंपेयर में ज़्यादा होगी क्योंकि हाइट पर स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि ग्रेविटेशन भी ऐड हो जाता है उसके अंदर। जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस प्रकार दी जाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, जैसा आपने पढ़ा होगा। हियर mg इज़ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड h है वो ऑब्जेक्ट की रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस है। यहाँ रेफरेंस पॉइंट हम अर्थ को मानकर चल रहे हैं स्टील बॉल के एग्जांपल में। अगर माना हमने, अगर रेफरेंस पॉइंट हमारा अर्थ से नीचे है, तो हम नीचे जितने भी जितना नीचे है उसे लेकर चलेंगे। सो हियर एच इज़ डिस्टेंस अबव द रेफरेंस पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन इनिशियल एंड फाइनल कॉन्फिग्रेशन ऑफ अ सिस्टम। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ द पार्टिकल्स ट्रेवल। सो पोटेंशियल एनर्जी भी पॉइंट फंक्शन है, यह भी इनिशियल और फाइनल सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, ना कि उस पथ पर निर्भर करती है जिसके द्वारा सिस्टम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन पर आता है। फॉर एग्जांपल, माना हमने वो स्टील बॉल का ही एग्जांपल लेते हैं, उसे हम ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊंचाई पर फेंकते हैं, तो इनिशियल पोजीशन उसकी ग्राउंड लेवल है और फाइनल पोजीशन उसकी 10 मीटर अबव ग्राउंड लेवल है। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा इनिशियल पोजीशन में भी सेम रहेगी और फाइनल पोजीशन में भी सेम रहेगी। यह मैटर नहीं करता कि बॉल किस प्रकार इनिशियल टू फाइनल पोजीशन में गई है। सो इट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।